नजरों में काटी नजरों में काटी माता की भारत माता की आवाज दो गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नजरों में काटी नजरों में काटी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गौर बुजारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नजरों में काटी नजरों में काटी सबसे पहले जितने भी प्रेस वाले आए हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम गांव जोपुर वाले ठंडी खुई वाले आज धरने पे बैठे हैं। हम बात यह है कि ठंडी खुई में नेशनल हाईवे बना, बस स्टैंड भी बन रहा है, ये लोग बेचारे नहीं बोले। लोगों ने कहा, जो गवर्नमेंट ने कहा लोगों ने मान लिया, लेकिन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले हैं ये बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कम से कम भी अभी जो ठंडी खुई जोधपुर है 20 फुट रोड नीचे कर रहे हैं, इसका जो पहला रोड बना है उसे 20 फुट नीचे कर रहे हैं। ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, ये 10-10 फुट पहले ऊंचे हैं, पूरा गांव 20 फुट और चला गया 30 फुट पे बेचारे, ये कहाँ जाएंगे, इनके इनके रास्ते कहाँ बनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इनका काफ़ी नुकसान, इनके मकान गिर जाएंगे बेचारे लोगों के जो रोड पे हैं। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि इनकी इनको मुआवजा दो, इनके भी बनाओ, इनके खाली कर दो, गाँव खाली कर दो, सारे गाँव को मुआवजा दो। ये चले जाते हैं जो बेचारे पहले गए हैं, जो पहले रिफ्यूजी हुए हैं, ये भी रिफ्यूजी हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट चाहती है इनको रिफ्यूजी करना, ये जब से 370 टूटी है ये लोग रिफ्यूजी हो रहे हैं, और क्या हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो आज सरपंच नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से और DC सांबा से वो मौके पर आएँ और इन लोगों को बताएं भी क्या नक्शा है। इधर रोड ऊँचे होते हैं, जहाँ भी पीछे नेशनल हाईवे बना है कहीं डोन 20-20 फुट नहीं डोन हुआ, 5-5, 6-6, 10-10 फुट ऊँचा हुआ है, कहीं फ्लाईओवर बने हैं, रोड तो ऊंचे होते हैं, ये 20 फुट डाउन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हमने आज काम बंद कराया आके, उनका जो मेरे लोग आए हैं उनका काम बंद कराया, हमने उनको वार्निंग दी है, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा इधर काम नहीं लगेगा। मैं सांबा एडमिनिस्ट्रेटिव से कहना चाहता हूँ कि जब तक ये इन लोगों की बात नहीं सुनी तब तक हम धरने पर नहीं उठेंगे, और ये नहीं बात सुनते कल या परसों हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे। सने अपने डंगर बच्चे लेके सारा इधर टेंट लगाएंगे हम नेशनल हाईवे और जहाँ पर हम बैठेंगे, जब तक हमारा मसला नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, क्यों डोगरों को मार रहे हो, क्यों गरीब लोगों को मार रहे हो, ये रोड बन रहे हैं बम्बे वालों के लिए, गुजरातियों के लिए, दिल्लियों के लिए, जम्मू के लोगों को क्या मिल रहा है, ये रिफ्यूजी हो रहे हैं लोग, देख इनके घर बेकार हो गए, ये लोग देखें आप भी प्रेस वाले क्या मांग करो। मैं मांग करता हूँ जी ये हमारा मसला हल करें, आके DC साहब आए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी साथ आए और इन लोगों से बात करे, एज ए पंचायत से बात करे और हमारा मसला हल करे, ये तो वरना हम नहीं उठेंगे। हम दिन रात इधर बैठेंगे धरने पे और इधर ही मरना है, इन लोगों को मंजूर है। आज पहले दिन धरना है, आज लोग कम आए, मैंने लोगों को बताया नहीं है। मैं